ये जितने भी स्क्रू हैं इसको आप ओपन कर लीजिए, नीचे भी इसमें स्क्रू लगे होते हैं जिनको आपने खोल देना है। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसके जो हार्ड डिस्क है उसको हम दे देंगे कस्टमर को। स्वागत है, जैसा कि आज मेरे पास एक ये डेल का लैपटॉप है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हार्ड डिस्क निकाल करके हम इसमें SSD लगाएंगे। क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि ये काफ़ी स्लो चल रहा है, तो स्लो चल रहा है तो इस कंडीशन में हम हार्ड डिस्क लगाएंगे, और हार्ड डिस्क हम इसमें लगा रहे हैं साटा कंसिस्टेंट 256 GB की हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से SSD लगा रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लैपटॉप को ओपन करना है, बैटरी को आप अनलॉक करोगे ये बैटरी बाहर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे जितने भी स्क्रू हैं वो ओपन करने हैं। ये जितने भी स्क्रू हैं इसको आप ओपन कर लीजिए। SSD लगाने से सिस्टम की स्पीड में थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, तो अगर आपके पास भी कोई सिस्टम है जिसमें स्पीड नहीं आ रही है, बहुत स्लो चल रहा है, इस कंडीशन में आप SSD लगा सकते हो। अब SSD जो आती है वो दो टाइप्स की आती है, एक आती है SSD साटा और एक आती है M.2। तो आपको देख लेना, अगर M.2 का स्लॉट है तो आप M.2 लगा सकते हो, अदरवाइज़ SSD साटा का भी यूज कर सकते हो जो हम लगा रहे हैं इसमें। हमने इसका CD राइटर निकाल दिया है। अब यहाँ पर इस मॉडल में क्या होता है, जो CD राइटर होता है उसके नीचे भी इसमें स्क्रू लगे होते हैं, तो इनको आपने खोल देना है। हमने खोल लिए, इसका हमने यहाँ पे कीबोर्ड निकाल लिया है, क्योंकि इसके बैक में भी स्क्रू लगे हुए, जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक पीछे का बैक पैनल हमारा ओपन नहीं होगा। ये रहा कीबोर्ड। अब इसकी हार्ड डिस्क को हम निकालेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे SSD। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसकी जो हार्ड डिस्क है उसको हम दे देंगे कस्टमर को, वो अपना इसको एक्सटर्नल बना करके यूज करेगा, या जैसे भी है वो CD रोम में लगाएगा, वो अपना यूज करेगा। हमारा काम यहाँ पे केवल हार्ड डिस्क को चेंज करना, SSD लगाना। ये है हार्ड डिस्क और ये है इसका कनेक्टर। ये साटा कनेक्टर है। अब इस वाली हार्ड डिस्क को हमें यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले हमें इसको खोलना होगा। ये हमने निकाल दी इसकी हार्ड डिस्क, और हमें यहाँ पर लगानी है साटा और SSD। ये हमारी SSD है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये SSD है, इसकी मेरे को 5 साल की वारंटी मिली है। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही लगा देंगे और सारे स्क्रू यहाँ पर कस देंगे।
प्रॉपर टाइट कर देंगे जिसमें ढीली ना रहे, अगर ये लूज रहेगी तो फिर दिक्कत करेगी। तो हमने उसको यहाँ पर प्रॉपर टाइट कर दिया है। इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ लग गई इसमें SST। इतना ही आपको करना होता है अगर आप SSD इंस्टॉल कर रहे हो तो। बस स्क्रू आप ज़रूर लगाइए ध्यान से सारे। इसके बाद हमें लैपटॉप को पैक कर देना और इसमें OS इंस्टॉल कर देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।